रैपर योयो हनी सिंह को तो सभी जानते होंगे। युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता किसी से छुपी नहीं है। योयो पिछले 2 साल से म्यूजिक की दुनिया से दूर हैं। इसकी वजह है बाइपोलर डिसऑर्डर। यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान दिमागी तौर पर परेशान रहता है। एक समय योयो बॉलीवुड के नंबर 1 रैपर थे, पर आजकल बॉलीवुड में हनी की जगह बादशाह और रफ्तार ने ले ली है। आपको बता दें कि हनी, बादशाह और रफ्तार जिगरी दोस्त थे और एक साथ काम करते थे। मनी और फेम की लड़ाई में तीनों अलग हो गए और अब तीनों अलग अलग काम करते हैं। बादशाह और रफ्तार तो एक दूसरे को अच्छा दोस्त मानते हैं और दोनों का टारगेट हमेशा हनी सिंह रहते हैं। एक इंटरव्यू में रफ्तार ने यह कहकर होश उड़ा दिया कि मैंने हनी के साथ लंबे समय तक काम किया, कई वीडियो के रैप मैंने लिखे, पर हनी ने इसे अपने नाम से रिलीज कर लिया। हनी ने भी बादशाह के गानों की तुलना गाड़ियों से करते हुए कहा कि नैनो और मर्सिडीज़ में फ़र्क होता है। यहाँ आपको बता दें कि योयो हनी सिंह कम बैक करने वाले हैं। वो अपने स्टूडियो में 8-8 घंटे काम कर रहे हैं। हनी सिंह के एल्बम का नाम राइज एंड शाइन होगा। ये एल्बम जून में रिलीज़ हो सकता है। हनी सिंह युवाओं को ऑब्जर्व करते हैं और उनके अनुसार ही अपने गाने बनाते हैं। एक तरफ हनी सिंह मैदान में कूदने वाले हैं तो दूसरी तरफ मैदान एकदम गर्म हो गया है। हाल में ही हनी सिंह के नाम से यूट्यूब पर एक गाना रिलीज़ हुआ। गाने के बोल हैं हनी सिंह के फ़ैन। इस गाने में रैपर बोहेमिया, रफ्तार और बादशाह को ऑब्जर्व कहा गया है। इस वीडियो पर सोशल मीडिया में ज़बरदस्त जंग शुरू हो गई है। एक तरफ हनी सिंह तो दूसरी तरफ बोहेमिया, रफ्तार और बादशाह हैं। आपको बता दें कि बोहेमिया पंजाबी के मशहूर रैपर हैं। इनकी फ़ैन फॉलोइंग ज़बरदस्त है। बोहेमिया हनी सिंह, रफ्तार और बादशाह के सीनियर हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।